और दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने मेरा IBS कैसे ठीक किया था। दोस्तों इसका आपको सिम्टम्स बताऊंगा और कारण बताऊंगा और इलाज बताऊंगा। वीडियो बहुत छोटा रखूंगा, ज़्यादा देर तक आपको पकाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जो कहूंगा वो सच कहूंगा। दोस्तों इसका जो सिम्टम्स है वो आप सबको मालूम है। कोई बोलता है कि ये 6 साल हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाइयाँ खा रहा हूँ, लेकिन मेरी गैस बन रही है, वजन कम हो गया है, ठीक है, गैस पास नहीं होती है, कोलोनोस्कोपी करवा लिए हैं, एंडोस्कोपी करवा लिए हैं, ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी वो परेशान है। दिन भर उनका दिमाग पेट में टंगा हुआ रहता है, ठीक है, उनका जो काम करने का मन नहीं करता है, दिन में बेचैनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे ठीक किया है। वेट इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि मैं 52 केजी तक पहुंच गया था। मेरा 73 हुआ करता था कभी, अब मैं मेरा 60 है, लेकिन कभी कभी ये 73 हुआ करता था, तो मेरा 52 तक पहुंच गया था। मतलब समझ लीजिए कि 8 केजी, जब से मैं ठीक हुआ हूँ तो 8 केजी मेरा वेट बढ़ गया है, लेकिन मुझे अब ज़्यादा वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा फिट हूँ और इंथ्रोजेस्टिक, थोड़ा एनर्जेटिक रहता हूँ। ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्त यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं, जो इसका कारण है वो कारण है कि मैंने जिम कर किया था। जिम में मैंने हैवी वेट लिफ्ट किया था बिना बेल्ट लगाए हुए। तो बिना बेल्ट लगाए आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं पे आप शेयर करें तो उनको ज़रूर ये सलाह दें कि यदि वो बंदा जिम कर रहा है तो वो पूरी सेफ्टी के साथ करे। कुछ भी लिफ्ट करना है या खींचना है, यदि आप घर में भी कोई सामान उठा रहे हैं तो यहाँ पे नाभि के ऊपर आप गमछा बांध के उसके बाद में वजन उठाएं। इस चीज़ों का खास ध्यान रखें, और जब भी वजन उठाना हो तो हम सांस भर लें, यानी कि कुछ भी उठाना हुआ सांस भरा उसके बाद उसको उठाना है। इससे थोड़ा सेफ्टी रहेगी, हमारी नाभि खिसकने का चांस 90% कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन गमछा बांध लेंगे तो 100% आपकी नाभि नहीं खिसकेगी। तो दोस्तों और इसका जो दूसरा कारण है वो है स्ट्रेस, यानी कि आजकल के जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। किसी भी या करियर को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो या किसी भी चीज़ के कारण आपको स्ट्रेस हो जाता है आजकल, ठीक है। ऐसे में ज़्यादा दिनों तक, यानी 21 दिनों के बाद तक यदि आपको वो स्ट्रेस नहीं छोड़ पाया तो आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन में चली जाएगी। यानी कि यदि हम किसी चीज़ को 21 दिन तक सोचते रहे, ओवर थिंकिंग के साथ लेते रहे, तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो उसको अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना लाजमी है, हमें नींद भी नहीं आएगी अच्छे से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये हो गया कारण। दूसरा जो इसका इलाज है, लोग बोलते हैं, मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मैं 10-10 सालों से, 5-5 सालों से, 6-6 सालों से प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, यानी कि इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। तो आपको इसका जो इलाज है वो न्यूरोथेरेपी में ही मिलेगा। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है, मॉडर्न साइंस है, जिसमें आपका जो IBS है उसकी मूल यानी जड़ को ख़त्म किया जाता है। अब इसका जड़ क्या है? इसकी जड़ है हमारी नाभि। हमारी नाभि को जब तक सेट नहीं किया जाएगा तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपका IBS ठीक नहीं कर सकता है। तो जो न्यूरोथेरेपी है वो आपको UDF भी ठीक करेगी, यानी आपका जो अनडाइजेस्टिव फूड आ रहा है स्टूल के थ्रू वो भी ठीक करेगा, क्योंकि उसमें कई सालों से कब्ज बनता है आपको, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हर चीज़ की कमी हो जाती है, चाहे वो कैल्शियम हो या विटामिन हो या प्रोटीन हो या फैट हो, हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जब आपका भोजन ही नहीं पचेगा तो आपके शरीर को कुछ मिलेगा नहीं, तो वेट लॉस होना लाजमी है। ऐसे में जो केमिकल्स ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स, उसको बैलेंस करने का काम न्यूरोथेरेपी करती है, और आपके नाभि को भी सेट किया जाता है न्यूरोथेरेपी में। तो लेकिन
यदि आप जल्दी न्यूरोथेरेपी में ठीक होना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें IBS का फुल योगा है, ठीक है, वो आप एक डेढ़ महीना कर लें, उसके बाद न्यूरोथेरेपी में आप अपना इलाज करवाने जाएं, बहुत ही जल्द आप ठीक हो जाएंगे। आई होप ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी बीमारियों से रिलेटेड आपके हेल्थ के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा।